नमस्कार, मैं सोनालिका जहाज जुबली पोस्ट के खास शो बिग फाइव लेके फिर से हाजिर हूँ। इसमें हम बात करते हैं देश भर की बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बिहार में चमकी बुखार का प्रकोप बढ़ता ही चला जा रहा है। इसमें मरने वालों की संख्या 100 पहुंच गई है। इसी बीच मुजफ्फरनगर के SMJ कोर्ट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और बिहार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना कुरैशी द्वारा दायर किए इस मुकदमे की सुनवाई 24 जून को होगी। मोदी सरकार का दूसरा सत्र शुरू हो चुका है। इसी बीच सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थी कौन सी सीट पर कौन बैठेगा, तो पहली सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विराजमान थे, तो दूसरे नंबर पर राजनाथ सिंह ठीक उनके साथ बैठे हुए थे, वहीं तीसरे नंबर पर अमित शाह बैठे हुए थे। आपको बता दें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेकर वापस लौट रहे थे तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अटकले ने कांग्रेस की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि राहुल कहाँ हैं। दिल्ली के मुखर्जी इलाके में ग्रामीण सेवा वाहन एवं पुलिस की गाड़ी की एक टक्कर हो गई, जिसके बाद टेम्पो ड्राइवर ने पुलिस वाले के सर पर तलवार मार दी। मामला इतना बिगड़ गया कि पुलिस को भी सख्त रुख लेना पड़ा। पिता को पिटते देख टेम्पो ड्राइवर के बेटे ने पुलिस के ऊपर टेम्पो चढ़ाने की कोशिश की। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने पद को छोड़ने को लेकर अड़े हुए हैं। इसी बीच संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी को चुन लिया गया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि लोकसभा में कांग्रेस नेता पद पर कौन होगा। सूत्रों की माने तो इसमें तीन नाम सामने आए हैं, जिसमें मनीष तिवारी, शशि थारू एवं अधीर रंजन चौधरी हैं। विश्व कप में इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में जीत मिलने के बाद पूरे देश भर में जश्न का माहौल है। वहीं इंडिया अब अपना अगला मैच 22 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी।